मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज और एकतारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर तो बना ही रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी और उसकी धुन के 10 रहस्य। चलिए बात करते हैं पहले रहस्य की। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। दूसरे रहस्य की बात करते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। तीसरे रहस्य की बात करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा कि जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाना कई जन्मों से सीख रखा है। चलिए बात करते हैं चौथे रहस्य की। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। पांचवें रहस्य की बात करते हैं। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। छठे रहस्य की बात करते हैं। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। सातवें रहस्य की बात करते हैं मित्रों, जो आपको पता ही होगा। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। आठवें रहस्य की बात करते हैं। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिध वन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। आइए बात करते हैं नवे रहस्य की। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों पर स्पर्श करती रहती हो। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी उनसे भेंट हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझमें कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस समय वह मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रहने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे पास रखा। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और 10वें रहस्य के बारे में। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो मित्रों, यह थे बांसुरी से संबंधित 10 अद्भुत रहस्य।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।